जय हिंद दोस्तों, हम सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी बेसिक वीडियो मैंने पहले डाल दी है, उसको नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नमाला 4A के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आज हम लगभग 24 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दशमलव है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर डिवाइड और 835 दशमलव, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दशमलव नहीं है। और एक चीज़ और हमें नोटिस करना है कि दशमलव में क्वेश्चन हमारा इजी हो रहा है सॉल्व, तो इजीली सॉल्व हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो फिर किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव नहीं है ऑप्शन में ना, ऑप्शन दशमलव होती तो फिर हम जो संख्याओं को पास में मानते हैं वो नहीं मानते फिर। यहाँ पे दशमलव में नहीं है इसलिए यहाँ पे मानेंगे 244.03 है, तो लगभग इसको हम 244 ही मान लें, इसको 654 क्वेश्चन मार्क डिवाइड 2.01 है तो दो मानेंगे, जिसके नज़दीक होगी वो मानेंगे। 835.01 तो 835 ही मान लें। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम भाग करते हैं, क्वेश्चन मार्क में दो से भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क बटे दो, भाग लग गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मार्क भाग लग गया, इसके बाद एडिशन होगा और फिर सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, 244 माइनस 654 है, पहले एडिशन होता है बाद में सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन मार्क में दो का भाग लगा दिया तो बाकी जो संख्या उनको उस साइड पहुंचा दीजिए, आखिर आपको थोड़ा इजी लग जाएगा। 835 माइनस वाली उस साइड पहुंचाएंगे हो गई प्लस की, और प्लस वाली उस साइड आएगी माइनस की। इतनी बात समझ आई, सिंपल प्रश्न है। प्लस प्लस वाली की जोड़ दीजिए, 4, 5, 9, 3 और 5, 8 और 6 दूनी 12, 13, 14, इससे 244 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5, 4, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे भाग में दो है तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, गुणा करेंगे 2 से 2, 5, 10, 1, 2, 4, 8 और 1, 9, 2, 2, 4 और 2, 1, 2, 2490, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2490, ऑप्शन डी। सिंपल प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बोर्ड मास्टर रोल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है RS अग्रवाल मैथ्स करके, तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, और आपके पास न्यू बुक नहीं है तो मैं न्यू बुक से जो चैप्टर है उसकी PDF टेलीग्राम पर डालता हूँ, जहाँ से आप क्वेश्चन को सीक्वेंस भी देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं वो मैं यहाँ पर ड्रॉप कराता हूँ, उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, डेली सुबह 9 बजे क्लास आती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है, प्रतिदिन सुबह 9 बजे क्लास होती है, तो आप प्रतिदिन सुबह क्लास लीजिएगा और धीरे धीरे आप मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे दशमलव क्वेश्चन में दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम संख्याओं को गैस कर सकते हैं। 224.99 यानी कि इसको हम 225 मान सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क का है, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं ना, इसमें देखिए 25 मानेंगे तो का को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 25 दशमलव हटाएंगे नीचे, सॉरी प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 520। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे का को तुरंत ही सॉल्व कर ले, 25 चौके 100। अब इसके बाद का सॉल्व हो गया, इसके बाद भाग करेंगे, 37 21, 1 बचेगा 35 15, ठीक है। इस प्रकार से आया, क्या करें, इस संख्या को साइड पहुँचा दें तो इससे माइनस हो जाएगी, 520 से 75 माइनस होंगे, और यहाँ पे जो नीचे देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, अभी 10 से 5 जाएंगे 5, 11 में से 7 जाएंगे 4 और यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिएगा, गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो, सॉरी भाग में है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 5 20 सलाई 2 4 चौके 16 2 18 सलाई 1 4 चौके 16 और 1 17 1780 आपका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, और हम नंबर सिस्टम में भी ऐसे सेम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। नीचे अब लास्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd, 16.01 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्यू रूट है 3 है ना,
342.98 प्लस है। तो इसको देखिए नज़दीक मान है तो 343 मानेंगे इसको, ठीक है। और इसको 16, तो 16 का स्क्वायर 256, इसको 343 माने तो किसका क्यू रूट होगा 7 का क्यू, 343 तो ये किसका क्यू रूट होगा 7 का प्लस 1, इसको 6 मानने लगभग, तो 8 यहाँ पे जोड़ दें कितने आएंगे, 8 जोड़ेंगे तो हम 14 की 4 सिलाई 1, 6 और 264 भाग लगाएंगे 6 से, 6 चौके 24, तो बचेंगे 6 चौके 24, तो आपका आंसर आ गया 44। बात समझ आ रही है, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन में दशमलव है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और हम संख्याओं को नज़दीक मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं 3.07, तो आप इसको 3 मान लें, इसको 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 3 9 और नीचे 4 4 16, इसको माने तो 128 के नज़दीक है, प्लस इसको 442 सॉल्व करें, 4 से कट जाएगा, 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32, 9 और गुणा 8, तो 8 9 72 प्लस 442, तो 4 7 3 10 11 सलाइए, ऑप्शन आ गया आपका 514 यानी कि बी वाला, ठीक है, सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th प्रैक्टिस करेंगे तो आप फास्टली कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए अगेन ऑप्शन में दशमलव नहीं है और यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे संख्या को मानने की कोशिश करेंगे और बोर्ड मास के रूल के अनुसार सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का को, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड है इसमें और लेकिन संख्याओं को मानेंगे, यहाँ पे 326.99 है तो 327 नज़दीक, यहाँ पे कितना आएगा 3, इसको माने तो 45 और ऊपर 1 नीचे 5, सबसे पहले भाग लगेगा 3 3 0 3 9 27, 5 से 5 9 45, 9 2 8 9 3 27, कितने आएंगे 7 2 14 15 16 8 1, कितना 136। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ऐसे ही सिंपल प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और हम इनमें गलती कर देते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप डेली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, आप अपने प्रति ईमानदार होंगे तो यकीन मानिए आप मैथ में बेहतर भी हो पाएंगे और अपना सिलेक्शन भी ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः जो परीक्षा होती है उसमें मैथमेटिक्स से ऐसा विषय होता है जहाँ पर हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमज़ोर होता है, तो मैं आपके लिए मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में फिर दशमलव है और यहाँ पर दशमलव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम माने संख्या को नज़दीक तो 109.07 है तो 109 ही मान लें, क्वेश्चन मार या फिर क्वेश्चन मार जगह एक्स मान लें, एक्स थोड़ा सा आपको सुविधाजनक होता है, माइनस 61 और इसको 21 माने, क्वेश्चन मार जगह हमने एक्स मान लिया या क्वेश्चन मार भी ले सकते हैं, 47.96 है तो इसको 48 मानेंगे। अब इस बात को समझना ध्यान से, सॉल्व करना है संख्याओं में, रूट वाली एक तरफ ले आए 48 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस हैं, इस साइड आके माइनस हो जाएंगे और ये माइनस वाली संख्या उस साइड आके प्लस हो जाएगी, यानी सबसे पहले इसको उस साइड पहुंचा दें, 61/21 एक्स, रूट वाली इस साइड आई माइनस तो इससे घटेगी भी, डायरेक्ट घटाई 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 61 रूट एक्स, ठीक है। अब 61 नीचे आएंगे तो यहाँ पे गुणा में सॉरी भाग में जाएंगे तो 61 से 61 कट जाएंगे, बात समझ आ रही। अब जब 61 61 कट जाएंगे यहाँ पे रूट है, ठीक है, यहाँ से रूट हटाएं तो उस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से रूट हटाएंगे उस साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, नीचे 21 का स्क्वायर 441, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा या इसको हम
ऐसे पहुंचा, इसको इस साइड लिया, इसको इस साइड, तो जैसे भी आपको ठीक लगे, दोनों साइड है, एक एक्स एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ पे एक 441 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स बराबर कितना मिला यहाँ पे 441, एक्स हमने क्वेश्चन मार्क माना, तो इसकी वैल्यू आ गई ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यहाँ पर देखिए फिर वही सेम चीज़ है, दशमलव में क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन दशमलव में नहीं है। अपने बुक के स्टार्टिंग में यदि पहली लाइन पढ़ी हो तो उसमें लिखा भी है कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आए, लगभग आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो इसको करें तो 111 41, इसको 5 के नज़दीक है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इनको प्लस करें तो 2 5 1, और इसको प्लस करें तो कितना हो जाएगा 29, 29 को प्लस करें 9 2 11, हसला 1 6 2 8, यानी कि 181 ऑप्शन ए। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चनों को ड्रॉप इसलिए नहीं करा रहा हूँ, थोड़ी सी आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसके बाद जो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पे भी हम संख्याओं को किस प्रकार से करेंगे, 209 है। ठीक है, सबसे पहले इसमें भाग लगेगा तो 5 मान लें इसके लगभग, 5 से भाग, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस इसको 31 माने और 18 18 का स्क्वायर 324। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 से इसको यदि काटें तो 5 4 20, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 चुके 20, और 9 काटेंगे तो 5 दूनी 10, या फिर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम नज़दीक मान सकते हैं। ठीक है, नज़दीक हम ठीक है मान सकते हैं, जैसे 5 से काटा 5 चौके 20, 5 एकम 5 जाएगा, और यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 4, तो 40 5 8 40, तो लगभग 42 मान सकते हैं इसको, समझ में आ गई। इसको हम कितना मान लें, 42 मान लें। अब 31 उस साइड आएंगे, इससे माइनस में कितना बचेगा यहाँ पे 3, और 12 में से 3 जाएंगे 9 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 42 से इसमें भाग लगेगा, ठीक है, गुणा में नीचे भाग में चले जाएंगे, तो 42 से इसमें हम भाग लगाएं तो कितना मिलेगा, 42 से हम भाग लगाएं लगभग निकालना हमें तो, ठीक है, तो 42 से भाग लगाएं तो जैसे हम इसको 40 माने, 40 से करें तो 4 4 16 और 8 8 चुके 32, ज़्यादा हो जाएंगे 7 चुके 28, लगभग 7 से करके देखते हैं, 7 दूनी 14, असला ये 7 चुके 28 और 29, ठीक है लगभग जा रहा है, ठीक है एक अंतर है लगभग, तो 42 से काटेंगे लगभग कितने 7 बार, लगभग ही निकालना है। यहाँ से रूट हटाएंगे तो उस साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, तो लगभग में हमारा मान सबसे नज़दीक ए वाला 49 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है सिमिलर है, यानी कि हम कर चुके हैं इसको, तो इसको आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 25.01 × 8.01 है और -59, तो 25 8 आप करेंगे 200, इसको 25 स्क्वाट मान लिया, -59 और का है 59/100 बराबर निकालना है, तो 59 यानी कि मोटा मोटा देखें 60 घटाएंगे 140 और एक कम, एक कम और घटाएंगे तो एक ज़्यादा बचेगा 141। ठीक है, 59/100 गुणा कर लें, देखिए 59 × 141, 1 से करेंगे 9 5 4, से करेंगे 4 9 चौके 36 3 4 5 20 और 3 23, फिर 1 से करेंगे 9 5, कितना आएगा यहाँ पे 9 10, यहाँ से लाइए 1 तो 10 3 13, यहाँ से लाइए 1 7 और 1 8, तो ऊपर आ जाएगा 83 19,
नीचे से 2 अंकों का दशमलव यानी कि 83.19, तो किसके नज़दीक है? लगभग 84 के। तो आपका आंसर होगा डी वाला। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 391 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत डिवाइड 339 का 41% और 1.989। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना का सॉल्व होता है। तो 391 गुणा का यानी क्वेश्चन मार्क है और नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। और फिर बीच में क्या है? डिवाइड 239 का यानी 41/100 और बराबर इसको नज़दीक माने 2। तो यहाँ पे देखें पहले इसको 100 से भाग लगेगा कितना आएगा? 3.91 यानी लगभग 4। इसको देखें तो पहले इसका गुणा कर लें आप, 2, 3, 9 गुणा 41, 1 से करेंगे 9, 3, 2, 4 से करेंगे 9 चौके 36, 3 4 3 12 और 3 15, 1 4 2 8 1 9, कितना आ गया यहाँ पे? 9, 9, 7, 9, 57.99। पीछे से 2 अंकों बाद आएगी ना दशमलव, तो आप इसको लगभग 98 ले लें बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए, जब आप का को सॉल्व कर चुके हैं भाग आएगा तो कितना आएगा? 4 गुणा क्वेश्चन मार्क / नीचे 98 जाएगा 2। 4 से इसको काटें, 4 2 8, 4 से नहीं कट रहा, ठीक है रहने दीजिए, 2 से कट रहा है, हम आगे काट लेंगे। 98 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 ऊपर है तो नीचे जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचे 2, 9, 18, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा? 49 ही आया ना, तो लगभग किसके नज़दीक है 49? 50 के सबसे नज़दीक, तो आंसर होगा 50, ठीक है, क्योंकि हम लगभग संख्याओं को मान के चले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? समझ में तो आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी ग्रुप है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कमेंट्स कर दें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 1/7 + 7 / 2, कैसे सॉल्व करेंगे? 7 से इसमें गुणा करें, 7 7 49 और 1 50, 50/7 + 7 है और बाहर 2 है, तो 7 7 49 और 50, यानी कि 1 कम है, 50 50 100 यानी 1 कम 99/7 / 2, तो 99 दूनी कितने होंगे? 100 दूनी 200 और 2 कम कर दें 1 कम 198/7, तो 7 से भाग लगाएं तो इसमें 7 दूनी 14, 5 बचेंगे 7 2 8 56 यानी कि 28 2/7 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घबराना नहीं है और हमें क्वेश्चनों को समझते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यदि देखिए यहाँ पे 60 88 और गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 76 10 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान, तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए 76 10/ में आएंगे इतना। अब इसको देखिए, हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, नंबर सिस्टम में भी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, इसको काटते जाएंगे तो कब तक काटेंगे? संख्या तो बहुत छोटी है, ऑप्शन है, तो इसके लिए क्या करें, हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या इसमें और इसमें भाग लगा दें तो छोटी छोटी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं? एस सी एफ निकालना, हम एस सी एफ एल से हमारे चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है। 2 बचेगा यहाँ पे कितना? 10 10 से 8 जाएंगे 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1522 से अगेन इसमें लगाएं कितनी बार जाएगा? 4, ठीक है, 15 चौके 60, तो आपका अंतिम भाजक आए 1522। ये क्या है आपका? आएगा 1522 अंतिम भाजक, यानी कि एस सी एफ 1522 से भाग लगाएं। देखिए नीचे कितना है? 60 88 में लगाएं तो लगभग 4 बार, यहाँ से थोड़ा जजमेंट, तो नीचे कितना आएगा? 4, तो नीचे फिक्स हो गया 4 आएगा, ऑप्शन ए के ऑप्शन आ रहा है नीचे 4, और ऊपर इसको काटेंगे 5 बार, तो हम एक सही आइडिया लगा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। बात क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए ए बी सी तीन अंकी संख्या, यानी कि तीन अंकी कोई संख्या है जो तीन से विभाजित नहीं है, तो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी किससे विभाजित नहीं है। तो इस कंडीशन देखिए, ए बी सी तीन संख्या मानना, एक एक मान लें, दूसरी दो, तीसरी तीन, लेकिन इस प्रकार से मानना ये तीन से विभाजित नहीं होना चाहिए, तीन दो पाँच छः, ये तीन से विभाजित हो जाए इसको नहीं मान सकते, कोई भी संख्या मान है ना, इसको एक ए को ए माने, बी को दो और इसको चार मान लें, देख छः और एक सात, ठीक है, यानी 124 ले सकते हैं। अब ए बी सी इसकी जगह कोई अंक रख के संख्या बनाना, लेकिन ध्यान रखना है तीन से भाग ना जाए, देखिए इसमें अब तीन से भाग नहीं जा रहा, तो ये कौन सी संख्या आ गई हमारी, ए बी सी। अब हमें ए बी सी बी सी और सी ए इस प्रकार से निकालना, ए बी सी तो आ गई हमारे पास 124, अब बी सी ए यानी कि बी दो रखना है, फिर चार, फिर एक, फिर सी ए बी यानी चार पहले रखेंगे और एक दो, बस समझ आ गई हमने संख्या कैसे बना ली, इन अंकों ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी इस प्रकार से इनको रख लिया। अब इनको प्लस करते हैं कितना आ रहा है, तीन तीन चार सात, एक दो चार पाँच, पाँच चार पाँच दो सात, चार दो छः और एक सात, तो संख्या आई हमारे पास 770। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था इनकी जगह ऐसे कोई अंक की संख्या लें जो तीन से विभाजित ना हो, हमने 124 ले ली जो तीन से विभाजित नहीं है, तो इस प्रकार से हमने संख्या बनाई। अब इनका योग किससे विभाजित नहीं होगा, सबसे पहले ए बी सी यानी कि जो अंक है इनके प्लस से, चार दो छः और सात, सात से भाग लगाएंगे चला जाएगा, सैंतीस से, सैंतीस से इसमें भाग लगा कर देखें तो सैंतीस दूनी सात दून चौदह, एक दो सात दून यहाँ पर कितना, दो तीन छः और एक सात, तीन बचेंगे सात, तो सैंतीस से फिर से काटेंगे, सैंतीस से कम सैंतीस चला जाए 21 बार में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीन से सात दून छः सात इक्कीस चला जाएगा, यानी एक ही अंक बचा नौ, यानी नौ से इसमें भाग लगाएं तो आप नहीं जाए, क्योंकि सात दून चौदह सात इक्कीस, इक्कीस नौ के पहाड़े में आते भी नहीं है, बात समझ आई, तो ऐसे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, आप अभी जो मैथ्स पढ़ रहे हैं मान के चलिए कि आप सर्वोत्तम मैथमेटिक्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ इससे बेहतर आपके लिए गणित नहीं मिल सकता, तो इन वीडियोस का आप फ़ायदा उठाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1664 का 3/4, का 5/6, का 7/10, काका है, एक ही काका यानी कि आपके काका नहीं, या फिर काका एक तंबाकू का नाम भी होता था शायद, अब पता नहीं, चलिए तंबाकू नहीं खाना है ना, यहाँ मैं कोई तंबाकू को प्रमोट नहीं कर रहा, चलिए यहाँ पर देखिए हमें काका है, तो क्या करना है, का की प्लेस पर इंटू आता है, इंटू यहाँ भी आएगा इंटू, और यहाँ भी आएगा इंटू, अब इसको सॉल्व करें, चार से कट जाएगा, चार चार सोलह, चार एकम चार, दो बजे चार थिंक चौबीस, तीन से काटें तो अब कहीं भी काट सकते हैं क्योंकि सभी जगह एक जैसा काका है ना, तीन दूनी छः, पाँच दूनी दस, तो चार 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 सोलह, ऊपर कितना आ गया, कुछ बचा भी है क्या, कुछ तो मिस्टेक सा, चौका अट्ठाईस, आप अनुसार ऐसा नहीं है, कुछ मिस्टेक कर दी हमने, चलिए जल्दी से मिस्टेक देखते हैं, 1664 मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए, मेहनत चाहे हम डबल से कर लेंगे कोई बात नहीं, चार से काटें इसको, चार चौका सोलह, चार एकम चार, चार थी चौबीस, चार सौ सोलह आएगा यहाँ पे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, अब इस चार से इसको काटें, चार एकम चार भगनी जीरो, चार चार सोलह, यानी 104 में सात से गुणा होगा, सात चुके 28, तो आंसर आया 728, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे इस चैप्टर में, ऐसा ही आगे भी चैप्टर में रिपीट होंगे, तो इससे क्या होगा, हमने यदि पहले पढ़े तो हमारा रिवाइज हो जाता है और जल्दी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे, यानी पाँच स्क्वायर छः स्क्वायर सात स्क्वायर एक कहाँ तक, दस तक जा रहा है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक से लेकर इस प्रकार से समझिएगा 10 तक का स्क्वायर का योग निकाल लें, और इससे एक से लेकर कहाँ तक, 4 तक स्क्वायर का योग माइनस कर दें, तो बीच में हमें 5 से 10 तक का स्क्वायर का योग आएगा। तो 1 से 10 तक का निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1/6 n यहाँ पे है 10, तो n प्लस 1 11, तो 2n प्लस 1, तो n 10 है, 2n 20 और 1 21। फॉर्मूला मैं आप साइड में लिख दूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 इसका यूज़ कर रहा है, माइनस यहाँ पे देखें n 4 होगा, 1/6 4, तो n प्लस 1 4 और 1 5, 4 दून 8 और 1 9। इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से 5 तो 55 गुणा 7, 7 5 45 असलाई 4, 7 5 7 5 35 असलाई 3, 7 5 35 और 3, 35 3 कितने होंगे 38, 385, 3 दूनी 6 3 तिर 9, 2 दूनी 4 10 और 30, 30 माइनस करिए 5, 5 3, 355 आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर गुणा 25 बराबर 10 की घात 4 माइनस 3600 है। सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जिसकी घात 4 है यानी कि 4 बार लिखें और 3600, इसको घटा दीजिए पहले, 1 2 0, 10 में से जाएंगे 4, 9 में से 3 जाएंगे 6, तो भाग में 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50, कितने बचे यहाँ पे 14, 25 पंजे 125, तो 5 15, तो 25 छक्के कितने हो जाए 150, यानी 256 आंसर आएगा, ऑप्शन ई वाला 256। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, यानी कि अब जो क्वेश्चन सिमिलर हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, सिंपल 18 19 20 21 इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपके पास न्यू बुक नहीं है तो इस जो बुक की चैप्टर की PDF है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को देख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्वेंस में है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 2 की घात 60, 3 की घात 48, 4 की घात 36 और 5 की घात 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी देखिए आप सबसे बड़ी संख्या निकालने जाएंगे तो 2 को 60 बार गुणा करना पॉसिबल नहीं है, 48 बार गुणा करना, 36 और इसको 24 बार, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो घात हैं ऊपर इसका निकालेंगे हम SCM, LCM से भी हो जाता है, आप SCF से देख लीजिए। SCF में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम इनका SCM निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हम उससे जस्ट छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। एक बार 4 बचा यहाँ पे, कितना आया 5 से 2, 24 से लगाएंगे 36 में, एक बार कितना बचा 2, 1 12 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, अंतिम भाजक 12, 12 से इसमें लगाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट बड़ी संख्या है, 12 24 36 बार चौके 48 कट गया। अब इससे 24 में लगाएंगे भी कट गया, यानी कि SCF आपको मिला 12। अब बात को समझना, SCF आ गया आपका 12, क्या करेंगे SCF आप कहाँ लिखेंगे, देखिए SCF सबसे बाहर आएगी घात, ठीक है, 12 से घाग लगाएंगे इसमें, 12 5 60, ठीक है, और अब सेकंड संख्या 3, तो 48 से 12 से काटें, 12 36 बाहर चुके 48, बाहर 12 लिखेंगे, और 12 से 36 काटेंगे, 12 24 बाहर 36 और LCM 12 बाहर लिखेंगे, 12 से 24 काटेंगे, 12 दूनी 24 और LCM बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर सबकी घात एक जैसी है, 2 की घात 5 करें तो कितना, 2 की घात 5 आप कर सकते हैं, 2 की घात 5 यानी कि 4 बार करें, 4 4 16, 1 बार और 5, 16 दूनी 32, 32 की घात 12, 4 बार करेंगे 81 की घात 12, यहाँ पे 4 चौके 16, 16 चौके 64,
की घात 12 और 25, 25 की घात 12। अब देखिए सबकी घात एक जैसी हो गई तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 81। 81 की घात 12 सबसे बड़ा मान होगा, तो 81 कौन सेकंड संख्या का मान है, सेकंड कौन सी है, 3 की घात 48। बात समझ आई, तो 3 की घात 48 यहाँ पे सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटा मान 25 है, इसका मान है 5 की घात 24 का। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हो सकता है आपको जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं बीच में खोना पड़ता हो, लेकिन पेशेंस जो रखेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे तो सीखते भी जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई चीज़ हमें पढ़ना है, सीखना है, समय तो देना पड़ेगा, है ना। बिना समय दिए हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। मैं आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं 8-10 क्वेश्चन ऑफलाइन बराबर कंटेंट दे सकता था, है ना। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले, तो जल्द से जल्द हमारा जो सिलेबस है मैथ्स का वो भी कंप्लीट हो और आप भी एक ही वीडियो में ज़्यादा कंटेंट ले पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 यहाँ पर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रूट में है तो जब भी रूट में आए आप परिमेयकरण कर दीजिए। बाकी इसका और भी तरीके हैं, परिमेयकरण यानी कि ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है उसी रूट से, ना प्लस, यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट साइन से होगा ऊपर, यानी कि 3 - √3 और नीचे भी गुणा होगा, तो 3 - √3। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे देखिए 3 + √3 है, यानी 3 पहले आ रहा, तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर ले लें, तो यहाँ पे मिलेगा 3 - √3। इस प्रकार से इसका परिमेयकरण कर दें, अपोजिट साइन से परिमेयकरण होगा। इतनी बात क्लियर है, अब बात को समझना। यहाँ पे आएगा 3 + ऊपर √3 और √3 का √3 में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ऊपर 3 - √3 और यहाँ पे देखिए a + b a - b, तो फॉर्मूला बने a² - b² ए यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और b √√ हट जाएगा, -3 + ऊपर आएगा √3 और नीचे a - b और a + b यानी a² - b² यानी 9 - 3। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा नीचे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 और नीचे 6 आएगा, तो एलसीएम हम 6 ले लें, समझना, एलसीएम 6 ले लिए, तो 6 × 2 = 18 प्लस 3 से काटेंगे 2 बार तो 2√3 आएंगे, प्लस 6 से 6 कट जाएंगे यानी 3 - √3, 6 से 6 कट जाएंगे यानी -3 और माइनस का अंदर भी गुणा हो जाएगा, हो गया इतना। अब देखिएगा यहाँ पर +3 से -3 कट गए, -√3 - √3 तो कितना आया 2√3 और माइनस के और यहाँ प्लस के भी कट गए आपस में, तो 6 से 18 काटेंगे 6 × 2 = 18, तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, थोड़ा केयरफुली होकर करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, यहाँ पे 35 का स्क्वायर + 38 का स्क्वायर फिर डिवाइड ( 5। इसको करें, 35 का स्क्वायर आप याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। 38 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। निकालते दो बार गुणा करके निकाल सकते हैं, 35 का स्क्वायर होगा 1225, 38 का स्क्वायर होगा 1444। ठीक है, ब्रैकेट में हो गए, डिवाइड किससे लग रहा है, क्वेश्चन मार्क से, बराबर 5। इनको प्लस करें कितना आएगा, 9, 4 2 6, 4 2 6 और 1। अब क्वेश्चन मार्क उस साइड आएगा, 5 नीचे ले आए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो निकालना है, 5 से भाग लगाएं तो 5 * 3 = 15, 1 बचेगा 16, 5 * 3 = 15, यहाँ पे देखिए 5 * 3 = 15, 1 बचा 16, 5 * 3 = 15, 1 बचा 19, तो 5 * 3 = 15.4 = 5 = 40, 333.8। 35 का स्क्वायर 1235 और 38 का 1444, तो 8 9 4 2 6 4 2 6, ठीक है 333.8, तो लगभग
लगभग ये ऑप्शन में चेक करें तो इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है ठीक है, तो अब इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज इसमें मैंने सॉल्व करा दिए। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इस बुक के चैप्टर की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को देख लेना जो मैंने ड्रॉप कराए सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।